आप देख सकते हैं फाइनली ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरी फार्म में वाटर सिस्टम के बारे में। बकरी फार्म के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और दो तरह के वाटर सिस्टम लगते हैं बकरी फार्म के अंदर, जो कि दोनों मेरे फार्म के अंदर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा हाईटेक गोट फार्म है, जिसके अंदर हमने पानी का समझ लीजिए एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम कर रखा है। एक हमारा ओल्ड फार्म है जो कि आपको मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर हमने अलग टाइप से एक पानी का सिस्टम बना रखा है। तो दोनों फार्म के अंदर दोनों टाइप से जो वाटर सिस्टम लगे हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। कॉस्टिंग समथिंग सेम है, मतलब खर्चा जो है सेम ही लगा है, पर क्या होता है कि जब किसी चीज का नॉलेज नहीं होता है तो हम ज्यादा पैसा खर्च करके भी उस चीज को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने हमारे पुराना जो फार्म है उसके अंदर पूरा वाटर लाइन सिस्टम कर रखा है, जो कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ओल्ड फार्म में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे दो फार्म है, अगर आपने हमारे फार्म नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, दोनों फार्म के वीडियो अपलोड है। तो आप देखेंगे हमारा जो ओल्ड फार्म है जिसमें हमने जो पानी का सिस्टम कर रखा है, यहाँ पर हमने वाटर टैंक लगा रखे हैं जो कि 1,000 लीटर के हैं, जो कि फार्म के साइज के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया, यहां से हमने वाटर लाइन चलाई है। जैसा कि सभी फार्म में आपने देखा होगा, इस तरह से वाटर लाइन चलाई है, हर रूम से होते हुए निकली है, जिसमें हमने नल लगाए हुए हैं। आप देखेंगे, दिखाइएगा, ये देखिए हमने इस तरह से नल लगा रखे हैं, जिसमें ये हमें यहाँ बर्तन रखकर और नल को चालू करना होता है, तब जाकर पानी भराता है। ये देखिए, इस तरह से हमको बर्तन रखना होता है। तो आप देखेंगे ये सारे रूम के अंदर हमने इस तरह से पाइपलाइन लगा रखी है, जिससे कि हम नल के द्वारा पानी को हर रूम में जाकर पानी को भरते हैं। पर ये जो सिस्टम है इसमें समय भी ज्यादा लगता है, लेबर भी ज्यादा लगती है। समय ज्यादा इसलिए लगता है कि पहले एक रूम में आकर पानी भरो, फिर अगले रूम में जाकर पानी भरो, फिर हर जगह नल को खोलना पड़ता है। और इसका माइनस पॉइंट ये है कि जो नल लगे हुए हैं इसमें क्या होता है, बकरा बकरी कभी कभी खुद से खोल लेते हैं दांतों से, तो उसमें पानी का वेस्टेज भी होता है। फार्म जो होता है पार्टीशन, वो भी बहुत ज्यादा गीला हो जाता है। फार्म के अंदर बकरे होते हैं, वो अपने सींग से इस पाइपलाइन को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, सींग से इस पाइपलाइन के अंदर मारते हैं इन्हें, तो इन्हें निकाल कर फेंक देते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हमने हमारा जो हाईटेक फार्म बनाया है, उस फार्म के अंदर जो वाटर सिस्टम दिया है बहुत ही शानदार दिया है, जिससे कि एक जगह से, जी हाँ, एक जगह से पूरे फार्म के वाटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, उसके अंदर हमने ऑटोमेटिक कर्टन सिस्टम जो बताया था आपको, सिंगल बिंचिंग मशीन से एक जगह से पूरा ऑपरेट करने का, तो वैसा ही हमने पानी का सिस्टम भी किया है हमारे बकरी फार्म के अंदर। तो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं हमारे हाईटेक फार्म के अंदर। अब हमने यहाँ पर जो वाटर सिस्टम लगाया है बहुत ही शानदार लगाया है, आप एक बार देखेंगे तो आप खुद भी अपने फार्म के अंदर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जो वाटर सिस्टम हमने हमारे इस फार्म में इंस्टॉल किया है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप भी अपने फार्म के अंदर उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप भी कहेंगे कि लेबर समय दोनों की बचत है और हमारा बकरा बकरी एक भी प्यासा नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है, जब मैनुअल तरीके से हम पानी भरते हैं फार्म के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि लाइन डालकर नल चालू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कौन सा बकरा बकरी कब कितना पानी पिएगा, तो हम तो एक लिमिट में पानी भरते हैं, कभी कभी पानी खत्म हो जाता है, जिससे कि हमारा बकरा बकरी प्यासा ही रहता है। तो ये जो वाटर सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह दिखाना। तो ये आप देख रहे हैं हमने हर हमारे पार्टीशन के अंदर दो तगारी लगा रखी है, जो कि 10-10 लीटर की है। आप देख सकते हैं ये जो पार्टीशन है इसके अंदर 50 बकरियां रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने दो तगारियां लगा रखी है और हर पार्टीशन में ऐसे ही लगा रखा है। देखिए आप लोगों को, देखिए आप इस तरह देखिए, ये देखिए यहां पर हमने दो तगारी लगा रखी है। ये जो वाटर सिस्टम है फुल्ली ऑटोमेटिक है, जिससे कि आपको सिर्फ एक जगह से ही उसे ऑपरेट करना है। आपको हर रूम में जाकर पानी भरने का टेंशन नहीं रहेगा, ना ही पानी खत्म होने का टेंशन रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने एक सिंगल बॉल पर पूरे फार्म के वाटर सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। हाँ, एक सिंगल बॉल, एक जगह से आप पूरे फार्म, हमारे फार्म के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 पार्टीशन बने हुए हैं, ये जो फार्म है 525 गोट्स का है, 525 गोट के जो पानी का सिस्टम है, पानी की व्यवस्था है, उसे एक सिंगल वॉल से हम ऑपरेट करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहां पर वॉल सिस्टम बना रखा है, यहां से एक सिंगल वॉल से हम पूरे फार्म के पानी को ऑपरेट करते हैं। अब कैसे करते हैं आप देखिएगा, कुछ नहीं करना, हम इस वॉल को ऐसे चालू कर देते हैं। अब चलिए फार्म के अंदर जो तगारी आपने अभी देखी है जिसमें पानी नहीं आ रहा था, उसमें चल के देखिए पानी आ रहा होगा।
आपने अभी देखा था इन तगारियों के अंदर पानी नहीं आ रहा था, पर आपको जैसे मैंने दिखाया कि हमने बॉल को चालू किया है और उस बॉल से हर तगारी के अंदर पानी ऑटोमेटिक जाता है। आपने ये पहला देखा, अब आप इस तरफ आइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाना ताकि सभी को दिखे। ये देखिए इसके अंदर भी पानी आ रहा नीचे से, देखिए तगारी के अंदर पानी आ चुका है। पहले जो पानी था वो काफी कम था, अभी पानी भर चुका है। जैसा कि आपने देखा, हमने फार्म का जो पानी है उसे सिंगल वॉल से ही हम लोग ऑपरेट करते हैं, जिससे कि हमारी लेबर और समय दोनों की बचत होती है। और ये जो पानी है ये कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम इतना बड़ा बकरी फार्म अगर चला रहे हैं तो हम दिन में कई बार फार्म के अंदर राउंड लगाने आते हैं, हम देखने आते हैं हमारे बकरा बकरी सही है, सही तरीके से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर नजर रख सकते हैं कि एक बर्तन में हम एक तगारी के अंदर देख लेते हैं कि पानी खत्म हो गया, तो हम सिंगल जैसे आपको बताया एक बॉल को जाकर सिर्फ हमें ओपन करना है, जिससे कि पूरे फार्म के अंदर पानी चला जाएगा। अब इसे बनाया कैसे हमने, मैं आपको एकदम फुल डिटेल में बताऊंगा कि हमने कहां पर कौन सा साइज का पाइप इस्तेमाल किया है, एल्बो कौन सा साइज के इस्तेमाल की है, इसको कंप्लीट मैं आपको बनाते हुए दिखाऊंगा। जी हाँ, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस वॉटर सिस्टम को अपने फार्म के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए आप किस तरह हमने इसका इंस्टॉलेशन किया है। आप देख सकते हैं हमने प्लास्टिक का टब, जो तगारी है आप और भी किसी नाम से जानते होंगे, यह हमने हमारी बकरियों के काउंटिंग हिसाब से ली है। और इसमें हमने एक गर्म आइटम, कोई भी गर्म पाइप आप लें, जिससे कि आप एक इंची साइज जो पाइपलाइन का साइज दे रहे हैं आप उस साइज से होल कर लें। इसके अंदर हम टंकी का जो कनेक्शन आता है, जो वाटर टैंक होता है, उसके कनेक्शन को हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए हमने टंकी कनेक्शन लगा दिया है। अब हमने दो तगारियों को एक साथ इंस्टॉल करना है। जैसा कि आपने देखा, हमने हमारे पार्टीशन में एक साथ दो तगारियां, दो बर्तन का इस्तेमाल किया है। तो आप देखिए इसके अंदर हम जो सॉल्वेंट है उसकी मदद से एक इंची एल्बो लेंगे। आप अपने फार्म के अंदर जिस भी साइज़ की पाइपलाइन दे रहे हैं उसी साइज़ के सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। अब देखिए बस हमने किस तरह से इन सबको इंस्टॉल किया है। अब हम दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम इसका मेजरमेंट ले लें कि तगारी के बीच का गैप हमें कितना रखना है। आपने देखा हमने एक पार्टीशन के एक सेट को कंप्लीट कर लिया है। तो आप इस तरह से अपने पार्टीशन की काउंटिंग के हिसाब से सेट को तैयार कर सकते हैं। अब हम आपको एक सेट को हमारे पार्टीशन के अंदर जो पाइपलाइन दी है उसमें इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे कनेक्ट कर देना है। ये एक तरह से फाइनल हो चुका है कि यहाँ से पाइपलाइन से पानी आएगा और इन बर्तनों में भराएगा। ये देखिए अगर आप भी सेम वाटर सिस्टम अपने फार्म के अंदर करना चाहते हैं तो आपको पूरा काम वाटर लेवल पर करना होगा। आप देख रहे हैं वीडियो में हमने एक तगारी के ऊपरी हिस्से से सारी तगारियों के लेवल को सेट किया है, तब जाकर सभी तगारियों में सभी जो बर्तन लगे हैं इनमें बराबर पानी जाएगा। ये देखिए एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन के जो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं हम, वहाँ का वाटर लेवल मिला रहे हैं। आप देख सकते हैं फाइनली हमारा वाटर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। आप तगारियों में देख पा रहे हैं हमने एक सिंगल वॉल के माध्यम से पूरे फार्म के पानी को ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह से जिस लेवल में इस तगारी के अंदर पानी आ रहा है उसी लेवल में पूरे फार्म के जो बर्तन तगारियां लगी हैं उनमें पानी आएगा, किसी में भी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि हमने सारा काम वाटर लेवल पे किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम हमने बनाया है इसके अंदर जो तगारियां, जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं उनकी डेली बेसिस पे क्लीनिंग कैसे होगी। उसकी क्लीनिंग बहुत आसान है। आप देखेंगे हमने फार्म के लास्ट में जहां हमारा फार्म की दीवार खत्म होती है वहां पर हमने एग्जिट वॉल लगा रखा है। आपको जब भी क्लीनिंग करनी है आप इस वॉल को ऐसे खोलेंगे और ऐसे पूरा पानी निकल कर बाहर आ जाएगा, मतलब जो तगारियों का पानी है जो बर्तन का
तो पूरा पानी यहाँ से निकल जाएगा, जिससे कि तगारी की जो बर्तन है उसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने हमारे बकरी फार्म के अंदर ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम को इंस्टॉल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप भी आसानी से अपने बकरी फार्म में इस तरह से ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम की जानकारी देने की कोशिश की है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने फार्म के अंदर भी इसी तरह पानी की व्यवस्था रखें। तो दोस्तों इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।